विगत लंबे समय से भुइंडा कठोरा में खनिज विभाग की लापरवाही के चलते बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन चल रहा था। सूत्रों की माने तो कसरावत तहसील में राजनीति रसूखदारों के द्वारा अवैध रेत उत्खनन किया जाता है। विगत कुछ ही दिनों पूर्व की खबर भी प्रसारित की गई थी तथा ग्राम भोईदा के बद्री चावरे जितेन कर्मा नामक व्यक्ति ने क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन के बारे में तहसील से लेकर जिले तक के खनिज विभाग के आला अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन को भी क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन एवं उत्खनन के नाम पर फर्जी टोकन दिए जाने की शिकायत भी की गई थी एवं सीएम हेल्पलाइन भी की गई थी, जिसको देखते हुए आला अधिकारियों ने शुक्रवार को कार्यवाही की गई, जिसमें शुक्रवार को एक जेसीबी सहित तीन ट्रैक्टर पकड़े गए। इसी के चलते कसरावत तहसील के ग्राम अकबरपुरा में भी नर्मदा तट को रेत माफियों द्वारा अवैध उत्खनन करके छलनी किया जा रहा है। इस बारे में भी खनिज अधिकारी रीना पाठक ने बताया कि यहां पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। रॉयल्टी के नाम पर भी अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। ग्राम भोईदा में माइनिंग कॉरपोरेशन का कोई रकबा नहीं है। जब्त किए गए वाहनों को खलताका पुलिस चौकी की अभिरक्षा में खड़ा किया गया। आप तक न्यूज से आकाश सावले की रिपोर्ट। मैडम, आज जो अवैध उत्खनन की कार्रवाई हुई, क्या कुछ मामला है? शिकायतें प्राप्त हो रही है ग्राम गोविंदा में अवैध उत्खनन की गई है। संदर्भ में तो एक जेसीबी जब्त की है और तीन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है मौके से। मैडम, कॉर्पोरेशन का क्या रकबा है यहाँ पे, जहाँ पे अभी उत्खनन हो रहा था यहाँ पे? नहीं, अभी वर्तमान में उनका भोईदा कटोरा में कोई कॉर्पोरेशन का रकबा है क्या? नहीं, माइनिंग कॉर्पोरेशन का वर्तमान में इनकी कोई खदान नहीं है यहाँ पर। तो फिर आईटी के नाम पे लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, हम लोगों ने इस संदर्भ में कार्रवाई करी है आज। और ये अपने कसावत तहसील के ग्राम अकबरपुरा में भी अवैध उत्खनन हो रहा है, उस पर भी हम लोग अभी कार्रवाई के लिए प्लानिंग करते हैं, कार्रवाई करेंगे। अभी किन किन लोगों के वाहन जब्त हुए? अभी नाम से तो अभी उनके नाम तो सामने नहीं आए जिन लोगों के वाहन जब्त हुए। आपका नाम? रीना पाठक। कौन से पत्र?